और कैसे हो मित्रों, मजे से जिंदगी बिता रहे हो कि नहीं। आजकल लोग बड़े रंगीले हो गए हैं और रंग बिरंगा वेब सीरीज भी देख रहे हैं, तो आज बात होगी कुछ ऐसी धमाकेदार वेब सीरीज की जो ना तो आपको हंसाएगी और ना ही आपको रुलाएगी, बल्कि आपका मूड बनाएगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और हुस्न की परियों की गली में चलने के लिए तैयार हो जाइए। तो अगर आप वेब सीरीज दुनिया की कच्ची कलियों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे को दबा दें। लेकिन अगर आप इन वेब सीरीज को देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। लेडी डॉक्टर ये साल 2023 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी वानी नाम की एक लड़की की है जो नकली डॉक्टर बनकर विक्रम नाम के एक आदमी का इलाज करती है। विक्रम एक दिमागी मरीज है जिसे ठीक होने के लिए प्यार और अच्छी देखभाल की जरूरत है। वानी अच्छे पैसे कमाने के लिए और विक्रम को ठीक करने के लिए हर वो काम करती है जो विक्रम करना चाहता है। लेकिन कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब विक्रम वानी के साथ कांड करना चाहता है और वानी को मजबूरी में विक्रम के साथ सोना पड़ता है। किंतु हद तो तब हो जाती है जब पता चलता है कि विक्रम कोई मरीज नहीं है बल्कि वानी को खोपचे में लेने के लिए नाटक कर रहा है। गुप्त रोग ये साल 2023 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी रानी और गोपी की है जिनकी नई नई शादी हुई और जो एक अमीर आदमी के घर में काम करते हैं। गोपी का बंदूक ठीक से सलामी नहीं देता है, इसलिए ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई की मदद से तबाही मचाते हैं। गोपी दवाई की वजह से सांठ बन जाता है और रानी का बुरा हाल कर देता है, इसलिए रानी दवाई छिपा देती है। लेकिन कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हवस की दवाई खाने में मिल जाती है और रानी की मालकिन अपने होने वाले समधी के साथ ही सुहाग रात मना लेती है। तो रानी की मालकिन अपनी बेटी को डोली में बिठाती है या फिर अपने हाथ पीले करती है, ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखना होगा। अंधाधुंध 2 ये साल 2023 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी राहुल नाम के एक लड़के की है जो अपने दादाजी के साथ रहता और जिसकी जिंदगी झंडा है। राहुल का दादा इससे घर का सारा काम करवाता और ऊपर से गालियां भी देता है। लेकिन एक दिन हौसी बुढ़ा विद्या नाम की एक महिला को घर लेकर आता और दिन रात घर में ही तबाही मचाने लगता है। राहुल अपने दादा को एक कमसिन हसीना के साथ कांड करते देख पागल हो जाता और एक दवाई से इन दोनों को अंधा कर देता है। राहुल विद्या के अंधेपन का फायदा उठाकर विद्या को खोपचे में लेने लगता है और जिंदगी का मजा उठाने लगता है। किंतु कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब पता चलता है कि विद्या इन दोनों को लूटना चाहती है, इसलिए अंधा होने का नाटक कर रही है। यह अधूरी आस ये साल 2023 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी नीता नाम की एक जवान महिला की है जिसकी शादी एक बूढ़े आदमी से हो जाती है। बूढ़ा आदमी ना तो नीता को टाइम देता और ना ही इसकी शारीरिक भूख पूरा कर पाता है। लेकिन जब बंगाली बाबा का चूरन चाटने के बाद भी बूढ़े से कुछ नहीं होता है तो नीता सब कुछ छोड़कर वापस आ जाती है। नीता के घर में नितिन नाम का एक लड़का है जो बचपन से ही नीता को पसंद करता और इसे खोपचे में लेना चाहता है। किंतु नितिन की लॉटरी तब लग जाती है जब ये नीता दीदी के साथ साथ अपनी आंटी को भी खोपचे में ले लेता है। कर्जदार ये साल 2023 में आई एक रोमांटिक वेब सीरीज थी। कहानी कांची नाम की एक मालदार लड़की की है जिसके माता पिता पर बहुत कर्ज है। गांव का हाउसी सेठ कांची की गदराई जवानी देखकर इस पे फिदा हो जाता और कर्जा माफ करने के बदले अपने बेटे की शादी कांची से करा देता है। सेठ बहुत बड़ा रंगीला है जो अपनी नौकरानी के साथ कांड करता और अपनी नौकरानी की मदद से ही अपनी बहू को भी खोपचे में लेना चाहता है। लेकिन जब कांची अपने ससुर के साथ गुलछर्रे उड़ाने से इनकार कर देती है तो इसका ससुर कांची के घर वालों से फिर से पैसा मांगने लगता है। तो कांची अपने घर का कर्जा चुकाने के लिए अपने ससुर को कब तक खुश करती है, ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखना होगा।